हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं आंशिका आ गई हूँ अपने साथ आज एक और नया वीडियो लेके। एंड ये वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो, लेकिन ये बाकी रिव्यू वीडियो से थोड़ा हटके होगा, क्योंकि इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस प्रोडक्ट का यूसेज, टेक्सचर एंड लाइव एप्लीकेशन विद लाइव रिजल्ट्स। आपको दिखाने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या डूज डोंट्स है जो कि आपको इसको लगाते टाइम ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड क्लोविया। क्लोविया का ही एक स्किन केयर का रेंज है, दैट इज क्लोविया बोटानिक्स। तो उसमें से मैंने ये दो प्रोडक्ट्स चूज किए हैं। ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मली एक्चुअली मैं क्या, मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और काफी टाइम से मेरी स्किन बहुत डल हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे थोड़े पिगमेंटेशन थे, पिंपल आए थे। ये आप देख सकते हो, ये सारे पिगमेंटेशन मेरे फेस पे हैं, अभी भी बहुत कम हुए हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट को मैंने एटलीस्ट एक मंथ यूज किया है एवरी वीकेंड। तो उसके बाद ही मैं ये रिव्यू बना रही हूँ और मुझे काफी फायदा हुआ है इन प्रोडक्ट से स्पेसिफिकली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द प्रोडक्ट। बात करने वाली हूँ क्लोविया के बोटानिक्स रेंज के दो प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि है फर्स्ट दिस वन। दिस इज, इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज देयर क्लोविया पिंक क्ले फेस मास्क, एंड द अदर वन इज, दिस इज देयर फेस रेडियंट सीरम। तो मैं आज इन दोनों के बारे में बातें करने वाली हूँ। पैकेजिंग एंड ऑल मैं नहीं बताऊंगी, दैट इज वेरी बेसिक। अभी मैं बता देती हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है। तो जो क्ले मास्क है उसका प्राइसिंग है 499 एंड ये सीरम का प्राइस है 699। तो अभी क्या करते हैं, हम लाइव एप्लीकेशन के साथ बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट के दोनों के स्पेसिफिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, कैसे क्या है। उससे पहले, एप्लीकेशन से पहले, मैं बस आपको एक बार टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्ले मास्क के टेक्सचर के साथ। तो सबसे अच्छी बात तो एक ये है कि ये ग्लास बॉटल में आता है। ग्लास बॉटल बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। ये एक छोटा सा बॉटल है, इस तरीके का आप देख सकते हो। इसका कंसिस्टेंसी काफी थिक है, ना थिन है ना वेरी थिक, बट ठीक, अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। अब मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है और काफी स्मूथली स्प्रेड हो रहा है। तो टेक्सचर इस तरीके का है इसका, और क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है इसमें। आई थिंक रोज एक्सट्रैक्ट है, तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आई है। और सबसे अच्छी बात है कि काफी कूलिंग सेंसेशन दे रहा है ये लगाने के बाद यहाँ पर। तो मुझे एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था यूज करना, तो मुझे लगा था कि ये प्रोडक्ट देखो कैसे काम करता है, बट एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम किया है। प्लस अगर आपकी बहुत डल डिहाइड्रेटेड स्किन है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाए आपकी स्किन को, तो आप ये प्रोडक्ट जरूर अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो मैं अब आपको इसको फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ, और कैसे अप्लाई करना है, कितने देर रखना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे अप्लाई करते करते। तो मैं इस क्या करूंगी कि ये प्रोडक्ट, मैंने अपना फेस जो है वो प्रॉपरली वॉश किया है। देखो मैंने बैंड लगाया, मेरे बाल सारे पीछे हैं। तो हमेशा आप फेस मास्क अप्लाई करने से पहले बालों को प्रॉपरली टाइप करो, ताकि वो सामने आए और ना आए और प्रोसेस को हिंडर ना करे। तो वो मैंने कर लिया है। अब मैं इसका एक जेनरस अमाउंट लूंगी फेस पैक का, और मैं स्टार्ट करूंगी अप्लाई करना इसको। तो मैं सिंपल, बस कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत देख सकते हो, बहुत लाइट वेट है, बहुत ईजिली स्प्रेड भी हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से पूरे फेस में अप्लाई करूंगी। सो आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपरली अपने पूरे फेस में अप्लाई किया है, और ये इतना लाइट वेट है कि मुझे सीरियसली लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मैंने स्किन में कुछ लगाया हुआ है। एंड ये प्रॉपर एक अच्छा वाला क्ले मास्क है। आपको जैसे पता होगा कि क्ले मास्क की जो खासियत होती है वो ये होती है कि क्ले मास्क आपके जो फेस पे एक्सेस ऑयल आता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, पिंपल वगैरह कम आते हैं क्योंकि ऑयल कम हो जाता है फेस से। अभी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं ना, तो इंग्रेडिएंट्स में इसमें काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो सबसे पहली चीज इसमें है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट की खासियत ये होती है कि डल स्किन को ब्राइट बनाता है, तो ये पैक जो है वो ब्राइटनिंग के लिए भी काफी हेल्पफुल है।
उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं लेमन है, तो अगर आपको पिगमेंटेशन है कहीं पर तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड इसके अलावा इसमें रोज ऑयल एक्सट्रैक्ट है, सिंस रोज ऑयल एक्सट्रैक्ट है एक भीनी भीनी सी रोज की खुशबू आ रही है इसमें से, एंड एसेंशियल ऑयल है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं आएगी फेस पे, कम से कम ऐसा रहेगा कि जो जितने ऑयल की नीड आपके फेस को है उतनी रहने वाली है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कलेक्टिवली बहुत अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए, और एक क्ले मास्क में ये सब कुछ मिलना इज अ प्लस पॉइंट। तो मैं अभी 10 मिनट ही जस्ट इसको अप्लाई करूंगी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि क्ले मास्क को कभी भी 10 मिनट से ज्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ये अच्छी बात है, इन्होंने यहां पर भी मेंशन कर रखा है कि तुम्हें 10 मिनट ही अप्लाई करना है। अब हम 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट के बाद मैं वॉश करूंगी अपना फेस, और वॉश करने के बाद आऊंगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट फेस सीरम। ओके, सो आई विल मीट आफ्टर 10 मिनट। सो नाउ आई हैव वॉश्ड माय फेस आफ्टर 10 मिनट्स। अब मैं जस्ट इसको पैड ड्राई करूंगी, ठीक है, एंड आई विल शो यू फ्रॉम क्लोज। अब ये देखिए, बहुत मतलब ठीक है, आपको फर्स्ट बार अप्लाई करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है, दैट आई नो, बट ऐसा है कि अगर आप इसको कलेक्टिवली यूज कर रहे हो ना फॉर 1 मंथ और लाइक 1-2 times, तो आपको धीरे धीरे करके इसका ब्राइटनिंग इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो इवेंचुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई डल थी, बट अभी मुझे ये पैक लगाने के बाद देखो काफी रिफ्रेशिंग। सबसे जो अच्छी बात है, जो एक हम क्ले मास्क से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत कूलिंग इम्पैक्ट जो है वो स्किन में छोड़ना चाहिए, जो कि ये क्ले मास्क कर रहा है फॉर श्योर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा क्लीन लग रही है मेरी स्किन। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार आपको लगता है कि आपके ऑयल एकदम अच्छे से किसी ने एकदम अच्छे से निकाल दिया है, तो वैसा वाला फील आ रहा है बिल्कुल, तो वो एक अच्छी चीज है। चलो अब ठीक है, अब हमने क्ले मास्क को लगा लिया, उसको वॉश कर लिया, अब हम मूव करते हैं सीरम की तरफ। लेकिन सीरम लगाने से पहले मैं एक बार छोटी सी चीज बोलूंगी कि कभी भी आप अगर मास्क लगाते हो तो मास्क लगाने के बाद आप हमेशा एक टोनर अप्लाई करो, उसके बाद ही सीरम लगाओ। क्योंकि क्या होता है, जब हम मास्क अप्लाई करते हैं तो हमारे थोड़े से पोर जो होते हैं वो डीप क्लीन हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, तो उन पोर को क्लोज कैसे करना चाहिए, क्लोज करने का काम करता है टोनर, इसलिए टोनर लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम टोनर लगाएंगे। टोनर के लिए सिंपली मेरा टोनर ऑल टाइम फेवरेट इज रोज वाटर है। मैंने ये रोज कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर लिया, आप कोई भी रोज वाटर ले सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं जस्ट 4-5 पंप करूंगी इसके, रिफ्रेशिंग है ये भी, तो बस इसको थोड़ा सा 10-20 सेकेंड के लिए छोड़ूंगी, मैं ड्राई हो जाएगा ये प्रॉपर। तो ड्राई होने के बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे। अभी मेरा स्किन ड्राई हो चुका है आफ्टर अप्लाइंग रोज वाटर, अब मैं अप्लाई करूंगी सीरम। तो मैं सीरम में यूज करने वाली हूँ ये क्लोविया का रेडिएंट फेस सीरम, ठीक है। मैंने इसको स्टार्टिंग में डे और नाइट दोनों में अप्लाई किया था, अभी एक वीक से, लास्ट वीक से मैं सिर्फ नाइट में अप्लाई कर रही हूँ इसको। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करने से पहले, इसका टेक्सचर बताने से पहले, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है हाइलोरोनिक एसिड, जो कि आप खुद जानते हो कि मतलब हाइलोरोनिक एसिड की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अगर हमारी जो स्किन है, हमारा फेस है, वो अगर मॉइस्चर लैक करता है, तो यू हैव टू इंक्लूड हाइलोरोनिक एसिड इन योर स्किन केयर। दूसरी चीज मैं बात करूं तो इसमें है बीटरूट। बीटरूट भी आप जानते हो कि हाई इन विटामिन सी होता है, जिसके वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट है तो वो उस पर काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें है लीची एक्स्ट्रैक्ट। लीची एक्स्ट्रैक्ट इज हाई इन विटामिन ए एंड सी, एंड ए का भी, सी का तो मैंने बता दिया, ए का जो होता है, ए जो होता है, अगर हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये हेल्प करता है रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में, और स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बार्ले सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर आपको आपको ऐसा लग रहा है कि एज के साथ आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहिए अपनी स्किन केयर में जो हमारी फेस को लटकने से रोके, इलास्टिसिटी इंप्रूव करे, तो आप ये प्रोडक्ट जरूर अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसके टेक्सचर के बारे में आपको बताती हूँ। अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो दिखाती हूं मैं आपको, ये इसका टेक्सचर है, देख सकते हो काफी रनी टेक्सचर है। ओके, तो रनी सीरम होने के फायदे ये होते हैं कि ये हेवी नहीं होता आपकी स्किन पे, इतना लाइट वेट होता है ये कि आप जब लगाओगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने स्किन में कुछ लगाया है। और खासियत प्रोडक्ट की यही होती है कि बहुत ज्यादा हेवीनेस नहीं फील होनी चाहिए स्किन में, क्योंकि फिर ऑयल और सीरम में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो ये अभी मैं इसको बताती हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करना है। आपको एक फुल पंप लेना है इसका, ठीक है,
आपको एक फुल पंप लेना है, इसको आपको पूरा प्रॉपर हाथ में लेना है। मैं ऐसे ही सीरम अप्लाई करती हूँ, इसको अपने पाम पे रब करना है प्रॉपरली, थोड़ा सा वार्म करना है, एक्टिवेट करना है, और सिंपली आपको ऐसे करके इसको अप्लाई करना है फेस पे, थोड़ा सा पैट कर करके अप्लाई करो ताकि स्किन के अंदर जाए। ऐसे मलना नहीं है जबरदस्ती का, बस ऐसे पैट करके अप्लाई करो ताकि इसको स्किन में जाने का टाइम मिले। अपने नेक को बिल्कुल भी मत भूलना, वहां पे भी अप्लाई करना। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़े देर 10-20 सेकंड ड्राई होने दो, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर इसके ऊपर लगा सकते हो। क्योंकि मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट के विजिबल रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको इनके साथ, आपको एक महीने अप्लाई करके इनको देखना पड़ेगा, इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो मैं तो काफी खुश हूं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार जरूर ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने आपको लाइव टेस्ट करके बताया, तो इससे ये प्रूफ भी होता है कि यार मैं खुद की स्किन में ये यूज कर रही हूं तभी आपको बता रही हूं। आप अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचती हूँ, पहले उसका पैच टेस्ट लेती हूँ, उसके बाद अप्लाई करती हूँ। तो अभी भी मैंने यही किया था, तो एक सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है। बस क्या करना कि क्ले मास्क को 10 मिनट से ज्यादा अप्लाई नहीं करना। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहते हो कि मैं ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने वैसे भी ये सोच रखा था कि मैं हर मंथ एक कोई इंडियन ब्रांड को पिक करूंगी, जो नया ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स को ट्राई करूंगी और आपको रिव्यूज बताऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, बट जो चीज स्टार्टिंग से चलती आ रही है तो बस उसी रैट रेस में लोग फॉलो करते रहते हैं और लगते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है। हमारे इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं जो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि कोई नया ब्रांड मैं ट्राई करूं। एंड यस, इस नोट पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जो कि मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ उसको डेफिनेटली फॉलो कर लो, ताकि आप ऐसे सारी नए नए अपडेट्स चीजें मिस ना कर पाओ। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।